फेस कंसील नहीं हुआ हुआ होता ना सही तरीके के साथ, तो आप बेस ज़्यादा हैवी से हैवी लगाते जाते हो। आप अच्छा सा कंसील कर लें, कंसील करने के बाद आप वो भी स्टिक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको बड़ी अच्छे तरीके के साथ टैप करें, उसके ऊपर फेस पाउडर की कोटिंग ज़्यादा ना करें, फेस पाउडर या लूज़ पाउडर। जब आप फेस पाउडर या लूज़ पाउडर की कोटिंग करते हैं ना तो वो डेफिनेटली तो केकी लुक बनाएगा। नहीं, मुझे तो ये भी लगता है कि लोग उसके ऊपर पैनकेक भी लगा रहे होते हैं। उसके ऊपर पैनकेक भी लगाया जाता है, उसके ऊपर फेस पाउडर लगा के पैनकेक लगा शाइनर भी के, हाँ लगाते जी, हैं। ज़्यादा जो वीडियोस बनती है ना, ये जो यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं, वो होता ही है कि कंपनीज अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें लगा रही होती हैं। अच्छा, मैं अक्सर कभी हो ना मेरा इस पे देख रही होती हूँ वीडियोस, तो मैं देख रही होती हूँ 12-13 चीज़ें उन्होंने लगा दी। हाँ, वो एक पेस्ट बनी 12-13 चीज, एग्जैक्टली यही होता अच्छा, है। फिर होता ही है कि क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, मैं सिखाती भी हूँ, तो लड़कियाँ, मैं मैम अंडर आई कंसीलर, मैम उसने ये लगाया, मैम वो लगाया, उनको कहती हूँ देखो मेकअप एक ऐसी चीज़ है कि आप दो चीज़ों के साथ भी अपना मेकअप कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि हर एक का कम्प्लेक्शन, हर एक के स्किन टोन, ये जो चीज़ें हैं ना, ये चेंज होती हैं, टेक्सचर भी चेंज होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे के ऊपर अगर वो लग रही है तो दूसरे के ऊपर भी वो लगे, सेम अप्लाई करेगा तो सेम वो अप्लाई बेस करे, बनेगी। हर एक की स्किन टेक्सचर डिफरेंट है, डिफरेंट किसी का है, ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई ड्राई स्किन है, है, किसी की कॉम्बिनेशन एक्ने है, है, हाँ जी, बहुत इश्यूज हैं, और हाई किसी की तो एवन पिगमेंटेशन टोन नहीं होती है। है, हाई पिगमेंटेशन होती है कुछ लोगों के फेस के ऊपर, और ज़रूरी नहीं है कि आप मोस्टली जो लेडीज़ है ना उनका एक प्रॉब्लम होता है कि दूसरी कोई लेडीज़ अगर उसने लगाया हुआ है, भाई स्किन बहुत प्यारी लग रही है, कौन सी बेस लगाई है और वो जाके उसने, हम खरीद हाँ लेंगे, वो उसने जाके ना, देवरानी जेठानी तो स्पेशली ये वाले काम बहुत ज़्यादा करती है ना, बड़ी बहू छोटी बहू। हाँ तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, आप अपने स्किन टोन में रहें, मैं कहती हूँ आप अपने स्किन को लिफ्ट ना करें, आप अपने नेचुरल टोन में रहें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। जब आप लिफ्ट करते हो ना स्किन को, अच्छा, बेस उसके लगाने थ्रू का भी बेस तरीका होता है। गिरता, मुझे ये बताएं कि हम जो बेस लगाने के बाद उसको यूं 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 टैप कर लेते हैं बहुत अच्छे से, बेस लगाने का तरीका क्या होता है? बेस लगाने का अब तो तरीका, इतने इतने प्रोफेशनल ब्रशेस आ गए हैं बेस हाँ जी, लगाने के लिए। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है मैं ब्रशेस भी यूज़ कर रही होती हूँ, बट जितना अच्छी ब्लेंडिंग आपको हाथ फिंगर टिप्स के साथ होती है ना, आप इसको इस तरह लाइट लाइट सा ना इस तरह लेके ना टैप करें, वो स्किन के अंदर चला जाता है। उसके बाद फिर आप ना ब्यूटी ब्लेंडर के साथ या ब्रश के साथ उसको अच्छी तरह ना स्किन के अंदर एडजस्ट कर दें, वो ऐसे ही अंदर स्किन के अंदर एडजस्ट होती है, क्योंकि अगर आपने वाइटनिंग क्रीम्स नहीं लगाई हो, स्किन थिन ना की हुई हो, तो जो लेडीज़ लगाती हैं वाइटनिंग क्रीम्स उनकी स्किन थिन होती है, उनके फेस के ऊपर नहीं एडजस्ट हो बंद सकती। कराई व्हाइटनिंग क्रीम सारी, बहुत दफा बताया। अच्छा, मैंने लिटरली वाकई बहुत दफा कहा है कि मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों गोरा बनना चाहते हैं। एशियंस गोरे नहीं है, खुदा का वास्ता है, अपनी स्किन को बहुत गोरा चिट्टा मत करें। मैं कहती हूँ उसके नस्बत आप ये करें कि अपनी स्किन के साथ जो है वो जुल्म ना करें, और आप एक अच्छे से सीरम लगा के सोएं। आजकल सीरम जितने ज़्यादा इन हैं और जिसपे विटामिन सी है, आपको डिफरेंट सीरम्स मिल जाते हैं। तो वैसे बेसिकली रात को कौन सा सीरम लगा के सोना चाहिए, वैसे मेरा भी सवाल था ये। चले रात को सीरम आप उसके लगाएं, विटामिन सी के लगाएं सीरम, वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप सीरम, मैं कहती हूँ सीरम लगाने से ज़्यादा आप खाएं, ठीक, आप खाएं जब आपके नेचुरली अंदर, जब हम खाएंगे भारी भरकम खाने तो वो जाहिर बात है वो चीज़ तो नहीं आएगी, तो मॉइस्चराइज करें अपने स्किन को। जब आप मॉइस्चराइज करते हैं ना तो वो आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है। बहुत सारे मॉइस्चराइज़र हैं मगर मेडिकेटेड लें, ठीक, जो कॉस्मेटिक वाले मॉइस्चराइज़र हैं वो अवॉइड किया करें। बहुत सारी ख्वातीन मेरे पास आती हैं जो बॉडी लोशन फेस पे लगा रही होती हैं, लोगों को पता ही नहीं अच्छा है, ये बड़ा प्रॉब्लम बीबी है कि क्रीम लगा रही होती लोगों को हैं। ये बिल्कुल नहीं पता कि बॉडी हाँ लोशन बॉडी पे यूज करना है, हैंड यस, लोशन हैंड्स हैंड्स पे पे यूज यूज़ करना करना है। है, लोग क्या करते हैं, वही हैंड लोशन मुंह पे यूज हो रहा होता है, यस,
आपके हाथों और मुंह की स्किन पर बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा, कुछ मेरे पास लेडीज आती हैं जो कह रही होती हैं कि कोकोनट ऑयल लगाती हैं फेस के ऊपर, कुछ बता रही होती हैं हम डिफरेंट तरह के अच्छा, मिक्स वैसे करके ऑयल कोकोनट से। ऑयल के बारे में मैंने सुना है कि वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये मैंने सुना है, अब हमें नहीं पता अच्छा होता है कि नहीं, वो आप नहीं अच्छा बताएंगी। होता है, मगर देखिए एक चीज़ की ना बहुत ज़्यादा जब आप उसको ज़्यादा करने लग जाते हो ना तो वो आपको नुकसान भी देने लग जाता है, ठीक है वो ड्राई कर देता है स्किन को। ठीक, मेकअप रिमूव करने के लिए बहुत बेस्ट है, मसाज करें उससे फेस के ऊपर अच्छी तरह, उसके बाद उसको साफ़ कर दें। जैसे आपके पोर्स है ना सर के, इसी तरह स्किन के पोर्स भी आपके ब्लॉक हो जाते हैं, तो आपकी और सफाई मुझे बहुत लगता है ज़्यादा कि जो ज़रूरी है। आपके ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है, जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की मेल एंड फीमेल की हम बात करें, इनका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी इनके जो स्किन के कह लें कि पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। जैसे मेरे जैसे लोग हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, रिपोर्टर्स हैं, हमारा सारा दिन काम फील्ड का, तो हमारे भी इस तरह से स्किन के पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन हुए होते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैंने सुना, एक दफ़ा स्किन के पोर्स ओपन हो जाए ये बंद नहीं होते, हाँ जी, ये बंद नहीं होते, ये बिल्कुल नहीं होते, ये नहीं, सिर्फ कहने की बात है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता अच्छा, और है। फर्क किन चीज़ों से पड़ता है? मास्क प्रॉपर यूज़ करें, क्या करें? मास्क प्रॉपर यूज़ करें। देखिए स्किन के जो पोर्स ओपन होते हैं ना, आप रात के टाइम क्लींजिंग मस्ट करें, ठीक, जितनी डस्ट होती है ना मतलब अगर आपके बिलफर्ज फेस आप के ऊपर। क्लेंजिंग नहीं कर सकते तो आप वाइप यूज कर लें। नहीं, वाइप्स के साथ उस तरह रिजल्ट नहीं आता, आप 3 मिनट्स के लिए ये प्रोसेस होता है, ज़्यादा लंबा कोई प्रोसेस नहीं कि आपने घंटा लगाना है अपने फेस के ऊपर। 3 मिनट के लिए आपने अच्छा सा क्लिंजिंग मिल्क लें, आप उसको अच्छे अच्छे से अपने मेकअप को रिमूव करें, मेकअप को रिमूव करने के बाद फिर आप उसके ऊपर दोबारा 2 मिनट क्लिंजिंग कर लें बस। उससे क्या होगा, आपकी सही से स्किन जो सी है, बेशक आप मेकअप करते हो या नहीं करते, या हाउस वाइफ हो घर में बैठे हुए हो, जब आप कुकिंग करते हो तो आपको पता है कि वो ऑयल और वो गैस की वो सारी वो आप भी आपकी स्किन को डैमेज कर रही होती है, तो सन ब्लॉक आप घर के कोई अंदर मेरी तरह हो। कुकिंग ना करता हो नहीं, तो सन एंजॉय ब्लॉक तो करे लाइफ ज़रूरी को। है, सन ब्लॉक तो ज़रूरी है। अच्छा, और अब ये सन ब्लॉक की जो बात करी, बड़ी अच्छी बात आपने किया, मेकओवर से पहले भी सन